अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं YouTube चैनल हसनी के संग और मैं हूं आपका होस्ट सादिक हसनी। तो मैं हस्बे वादा दोस्तों के साथ मैंने वादा किया था इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं आपको हारमोनियम प्ले करने की तालीम दूंगा। हारमोनियम कैसे प्ले किया जाता है और इसका सीखने का तरीका क्या है, और मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आज आ गया हूँ मैदान में। तो लीजिए आज का पहला सबक आपको मैं शुरू करने लगा हूं। तो आपने हमारे चैनल को जिसने नहीं देखा तो हमारे चैनल को फॉलो करें हसनी के संग और लाइक करें, और खसूसन बिलखसूस बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि आने वाली वीडियो नेक्स्ट जो है वो आपको मिल सके नोटिफिकेशन। तो आज मैं आपको सबक देने लगा हूं। तो आओ पहला सबक हमारा मौसीकी का जो है ये पहली वीडियो। तो पहला खर्च मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सा, यानी मैं पहले सुफेद से मैं आपको शुरू करा रहा हूँ। ये पहला सुफेद है, पहले सुफेद से आपने जाना है। तो ये पहला सुफेद, इसके साथ वाले जो सुर हैं वो रे कहलाएंगे और उसके साथ वाले दो वो गा कहलाएंगे, उसके साथ वाले दो माँ कहलाएंगे, एक अकेला जो आगे सुर आएगा वो पा कहलाएगा, पा के आगे वाले दो सुर जो हैं धा धा कहलाएंगे और उसके आगे वाले नी नी, ऐसे ही वापसी पे इसका आप समझ गए। तो सा ये इनके सुर है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यानी दोनों रे रे होंगे और आप जो है इनको आगे चलकर इसके नाम आपको बताऊंगा कि रे को क्या कहते हैं, गा को क्या कहते हैं, माँ को क्या कहते हैं, पा को क्या कहते हैं, धा को क्या कहते हैं, नी को क्या कहते हैं। तो ये आगे चलकर मैं अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर बताऊंगा। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सरगम बता रहा हूँ। तो ये राग भैरवी की ये सात सुर का राग है, संपूर्ण राग है, यानी सात को संपूर्ण कहते हैं, सात सुर का राग है। आगे मिलाना है सुर के साथ सुर सा रोजे के साथ हूँ तो बना रहा हूँ सारे गाधा इसको समझे पले के साथ जाना लय के साथ हम जाना है सारे गाना पाधा सा धा पा गे सा मिसाल के तौर पे आप ये पहले सिया से बजाना चाहते हो ऐसे बन जाएगा। सा
उसके साथ मिलाना है। मैंने आपको ऐसे समझाया, मुझे खुशी हो रही है रोजी की वजह से। तो ये जो है इस सुर के साथ, सुर को मिलाना जो है वो बड़ी बात है। इसके साथ मिलाएंगे तो आपको ये चलेगा। आप चाहते हैं कि हम दूसरे श्या से बजाते हैं तो ऐसे वही भैरवी, पहला पहला सुर आपने पहला पहला लगाना है, दूसरा छोड़ देना है। पहला कोमल कोमल सुर लगाना है, यानी रे कोमल, गा कोमल, माँ कोमल, पंचम लगाना है, धा कोमल, नी कोमल। तो ऐसे जो है ना कोमल सुर लगाने पहले पहले, पहले को कोमल कहते हैं, दूसरे को तीव्र कहते हैं। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इसका। ऐसी आवाज का ऊपर जाना, आवाज ऊपर जाएगी, सकेल बढ़ेगा तो आवाज भी ऊपर जाना है। तो आवाज से आवाज मिलाना है, सा इसी के अंदर अंदाज चेंज हो जाता है। तो ऐसे मकसद काफी चीज है, तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैंने सबक दिया आज कौन सा, सरगम का। तो हर जगह से मैंने आपको सरगम दिखाई, तो इसी दूसरे श्या से भी दिखा दी, पहले से जो है दूसरे से। ठीक है, पहला श्या था, दूसरा श्या। सुर को आपने जगाना है,
तो देखना है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप सीखेंगे। तो आप हसनी के संग चैनल को फॉलो करें और उसको देखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैंने दोस्तों की फरमाइश के ऊपर राग शुरू कर दिया है आपको। मैंने पहला राग भैरवी कोमल सुर और आपको मैंने सरगम बताया है, तो ऐसा अगर करोगे तो आप जल्द से जल्द सीख जाओगे। ठीक है, ये जल्द सिखाने का तरीका ऐसे होता है, जवान पढ़े भी सीख सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।